अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। हाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वो गुजरात के कसाई की तरह तो जाने जाते थे, अब वो कश्मीर के कसाई के नाम से जाने जाएंगे। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्यों खुशी हुई दोस्तों? क्यों? इसलिए खुशी हुई क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में आज भी कुत्तों को भौंकने की पूरी आजादी है। बिलावल भौंको बेटा। क्यों नहीं? और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान में डिग्री लेने आ रहे हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे है ये बताएंगे हमारे चाचा। आपको शायद इस चीज का पता नहीं कि 206 कंट्री के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं अनकरीब। अच्छा, डिग्रियां लेने के लिए। वो डिग्री किस हवाले से लेने आ रहे हैं? करप्शन की। क्योंकि पाकिस्तान करप्शन में टॉप कर चुके हैं। और हकीकत ये कि हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। भारत मुल्क जो है वो चांद पे पहुंच गया और हम लोग करप्शन की टॉप यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। जिन्ना को पता था कि तुम कभी चांद पे तो जाओगे नहीं, इसलिए उसने पहले ही तुम्हारे फ्लैग के अंदर चंद्रमा लगा दिया और पाकिस्तानी खुश है। वो अपनी नुमाइश करते हैं वेपन्स की फील्ड में कुछ करें। टेक्नोलॉजी वो के इंडिया इतना फास्ट हो गया है कि वो तकरीबन ये पीछे 17 तारीख आई थिंक कि वो मून पे चले गए। बिल्कुल, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारे ये ऐसे बंदे हैं, ये देखिए मेरी बात, हमारे परचम में मून है ना। उधर एक चीज की प्राइस है ना 13 लाख, तो इधर 93 लाख है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे ही है, मतलब कुछ भी। आल्टो की अगर बात करें, अभी वहाँ पे आल्टो लॉन्च हुई है जिसकी कीमत 6 से 7-8 लाख रुपए है। नहीं सर, 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए, और इधर 32 लाख रुपए। इन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान आजाद किससे हुआ? हमारे यहाँ पे बड़ा कंसेप्ट है कि ज्यादातर लोग कहते हैं हिंदुस्तान से आजाद हुआ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का हुआ था जन्म। आजाद हुआ था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में से पाकिस्तान निकल के जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान कभी भी आजाद नहीं हुआ था। और ये तो तुम पाकिस्तानी हो तो अपनी आजादी का जश्न मनाते हो, तो ये भी एक तरीके से फेक है, प्रोपेगेंडा है। इसको मनाना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें अपना जन्मोत्सव बनाना चाहिए, बर्थडे बनाना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ था उस दिन। तो सबसे पहली गलत फहमी तो तुम पाकिस्तानियों को ये अपनी दूर कर लेनी चाहिए कि हमारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है पाकिस्तान का। आजादी का महोत्सव नहीं है ये, इंडिपेंडेंस डे नहीं है बिल्कुल भी पाकिस्तान का। और ये 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम ये समझ ले कि उनका बर्थडे है, बर्थडे मनाया करो, केक काटा करो, तुम लोग झंडे वंडे मत फहराया करो। ये कितने का? ये हम दे रहे हैं 150 रुपए का, 200 रुपए का, जहाँ मैं कहा कि दे देते हैं। ठीक हो गया, 200 रुपया मांगते हैं कोई 150 में या जिधर भी कोई माने वो दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे बताइएगा उनके वहाँ पे इतने फ्लैग की क्या कीमत है? इवन इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि उनका जो तिरंगा है वो इतने साइज में कितने रुपए का मिल जाता? अरे हिंदुस्तान की तिरंगे की क्यों चिंता करते हो तुम लोग? हमारा तिरंगा तो चंद्रमा पे लहराने वाला है। खैर ये पाकिस्तानी रेट पूछ रहे हैं तो मैं मार्केट गया था, अभी पूरी तरीके से मार्केट सही तरीके से सजा नहीं, फिर भी मुझे 5-6 माने मिल गई। और अभी प्रेजेंट टाइम में जयपुर में ये रेट है, देखे आप भी। तो 15 अगस्त आते ही झंडों की बिक्री शुरू हो गई है। एक दुकान ये रही, एक दुकान आगे, काफ़ी दुकान है। और अभी इनका प्राइस मैंने पूछा है 30 रुपये का है और 20 रुपये का भी है, और मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की है 2 प्लेट। तो भाई बिक रहा है माल? सही बिक रहा है? कर रहे हैं टाइम पास सर। टाइम पास कर रहे हो? अभी तो 15 अगस्त दूर है। हो जाता है फिर भी टाइम पास, टाइम पास हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर ये 30 रुपये का है बच्चों के लिए, और ये 20 रुपये का होगा? नहीं, वो 50 वाला। ये 50 वाला, ये 20 का? ये 20 का। ये 20 रुपये का है, और केप वगैरह भी है, और ये फटके भी है तिरंगे के, और ये बड़ा झंडा है ना, ये कितने का बताया था? ये 150 रुपये का है, ये 250 का। ये भैया देख लो, इतना बड़ा झंडा 150 रुपये में मिल रहा है मात्र, और ये 250 रुपये का। आपने देखा होगा जब दो सांडों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो सब लोग दूर हट जाते हैं और उन लड़ाई का आनंद लेते हैं, और आज हम भी ऐसा ही आनंद लेंगे। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये बड़ा अच्छा जवाब लगा आपका। देखो हम एज अ मुस्लिम जो है ना, हमने अपने दीन को प्रमोट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मंदिर बने। औकात में रहो।
मैं उनका रिकॉर्ड कह रहा हूँ। देखें मैं मुस्लिम हूँ, मैं हमारा हमारा दीन हमारा दीन हमारा दीन हमारा दीन ये थोड़ी कहता क्या। मैं कह रहा हूँ कि एक जगह ऐसी कि जिससे मतलब कम्युनिटी में फसाद फैले, ठीक है ना, सामने मस्जिद हो, इधर वो घंटियां बज रही हो। हम हिंदुस्तान के बारे में बड़ी बात जल्दी बात कर लेते हैं। जब ये बयान आपका सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान के इमेज ऐसे शो होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं। सर आप हर एक को वेलकम करें, खुदा की कसम खा कहता हूँ कि यहाँ पर एक जगह पर मंदिर हो, दूसरी जगह पर मस्जिद हो। वहाँ की कम्युनिटी को भी देखना है कि जिन लोगों ने अगर वहाँ पे इबादत के लिए आना है, ठीक है ना, अब रस्ते में वो कहेंगे यार ये लोग ये इबादत, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया अपनी जगह, लेकिन हमने ये देखना फसाद पैदा ना हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज पहली बनी हुई है, आप देखें कौन सा तोड़ा है, कोई नहीं तोड़ा यार, यहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। कराची में दो मंदिर तोड़े हैं रिसेंट की कहानी। सर बाबरी मस्जिद पे डिस्कस करो ना फिर भैया, बाबरी मस्जिद पे आज तो गुजरात में जो मस्जिदें हैं जो लोगों को वो भी डिस्कस करो ना, उस पे ठीक है ना। हाजी अब अगर आपने आ जाए, आप इस वक्त पाक सर जमीन पे खड़े हैं, आप इसके भी तो देखे ना, हमने के लिए क्रिश्चियंस के साथ हम कैसे, उनका कोई चर्च तोड़ा आज तक? एक बात बताऊं आपको, जो वाकया हुआ यूनाबाद यूहानाबाद के अंदर, मैं साथ ही रहता हूँ वहाँ पे, यूनाबाद के अंदर कितने सिखों को मार दिया गया ईद के मौके के ऊपर, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ। अब ये कहेंगे ईसाइयों को, ईद के मौके के ऊपर कितने ईसाइयों को हलाक किया गया मेरे नजरों के सामने, बम धमाका हुआ था। हाँ जी, बम धमाके के अलावा भी मजहबी इंतशार की वजह से भी। सर देखें कीड़े बहुत हैं, हमारी तरफ भी हैं। अब सियालकोट के अंदर क्या हुआ, इसका जवाब तो ले लो। उधर धमाका हुआ, ठीक है, इसके अलावा भी हुआ। इधर मस्जिदों में कितने धमाके हुए? अबे यार मैं, आप लॉजिक की तरफ नहीं ना आ रहे। क्यों, मैं लॉजिक है भाई, धमाके के अलावा की बात कर रहा हूँ। धमाका हुआ है, हाँ जी धमाका हुआ है, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। अब चले मुझे एक सवाल, अब इसको बहस को खत्म करते, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बहस को खत्म करते, मेरे सवाल का जवाब दें। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब खाली हिंदुओं की बता रहा हूँ, अदर माइनोरिटीज के नहीं, हिंदू 21% है, अभी 1% से कम रह गए, किधर गए? इधर क्या हो गया भाई, अब इस बात पे नहीं आएंगे यार। मैं क्यों, मैंने मेरा क्या कह रहा हूँ, मैं भागूं? यार आपके पास फैक्ट्स कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है ना, वो आपके मुकम्मल नहीं है। आप देखें कौन सा माइग्रेट करके गया है, बल्कि मुसलमान थोड़े दिन पहले गई है इंडिया, हमारी मुसलमान गई है बच्चे लेके, मैं चली गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस बात पे नहीं आ रहे आप। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा भाई, हिंदू जाने की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं पूछ रहा हूँ। जब मेरा सवाल फिर वहीं पे है, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो 21% थे हिंदू, कहाँ गए? ने जो है वो कौन सी 370 लगाई है जो उसने लगाई है, मुझे बताओ, लगाई है उसने? 35 है तो लगाई उसने, 35 है तो हटा दी, ठीक है ना, हमने पीछे से डंडा किसका आया? सारी बात करो, मुंह भी उसने अपनी फेस सेविंग की है जी। और हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से भी तो A7 हटाया। तो देखो मेरे साथ लॉजिक करनी, मैं भी लॉजिक पे ही बात कर रहा हूँ, यकीन करो जमीन से जो है ना निकल के नहीं आया, इसी मुआशरे में रह रहा हूँ, मैं भी इसी मुआशरे में रह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें 370 पे बड़ा दुख हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान में भी तो ये UN का रेजोल्यूशन के मुताबिक 35 को नहीं हटाना था, 35 को हटाकर हम जमीनें तो सारी खरीद रहे हैं, तो इंडिया ने कर लिया तो हम अबला बचा रहे हैं। बल्तिस्तान आपका हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा, तो फिर हिंदुस्तान को वो अपना हिस्सा मान, वो मानता नहीं है, वो कब्जा किया भाई। यार ना करो ऐसे बात, ना करो यार, ये वो भी समझता है, ये सारी दुनिया समझती है कि उसको आज तक मकबूजा कश्मीर क्यों कहते हैं यार। चले मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं, हम नहीं कहते। अब UN के जो है ना वो उसके आप इजलास उठा के देख लें कि वहां पे दूसरे ममालिक ने, उनके सरबराहान ने कहा है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए ऐसे, नहीं कहा मुझे बताएं, हैं बात मान लेता हूं मैं। चलो क्या चाइना का पिछले ये 1.5 माह पहले का एक जो समिट हुई है उसमें चाइना के जो वो आया वजीर, उसने क्या कहा मुझे बताएं कश्मीर के बारे में, ये कहा कि कश्मीर को A70 नहीं हटाना। अब मेरी चाइनीज तो नहीं, मेरी भी बात सुन लेना। चले सऊदी अरेबिया कौन है, हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है ना, आपको किसने कह दिया? नहीं है वो अच्छे मुसलमान यार, ये तो अल्लाह जानता है। ओ भाई इस्लाम कहाँ से आया? फैसला ये खालिस तौर पे अल्लाह ताला ने कहना, कौन इस्लाम कहाँ से आया, मुल्तान से आया या मक्के से आया? मेरी बात सुने, मक्के में तो मुशरकीन भी थे जी, पहले थे ना, अभी अब नहीं है। ओ भाई अभी भी हैं गैर मुस्लिम। चले गाइस इस बहस के, पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदुओं से मुसलमान बने, और सऊदी अरब वालों को बोल रहे हैं कि पता नहीं वो कौन से मुसलमान है। अबे जहां से इस्लाम बना चला वो तो असली इस्लाम है, जहां पे मक्का है मदीना है, जहां से इस्लाम पैदा हुआ, जहां से इस्लाम चला, जहां से इस्लाम
फैला, उन लोगों को ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन से मुसलमान है और ये खुद कन्वर्टेड है, मतलब इतना जिगरा लेके कहां से आ जाते हैं ये जाहिल। और तो और इनके अंदर भी बेहतर फिरके जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की मस्जिदों में जाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के फिरके में रोटी और बोटी का कोई व्यवहार नहीं रखते और फिर ये कहते हैं कि हम आसमानी कौम है, हम असली मुसलमान है। अबे तुम कन्वर्टेड मुस्लिम हो सारे के सारे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।